नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक नई स्टार्टअप स्टोरी की, और जो ये स्टोरी है वो है हमारे गुजरात वडोदरा सिटी से। ये जो स्टार्टअप है मेरे एक इनरोल्ड कोर्स के मेंबर हैं जो कि रचित कुमरा का है, जो कि पंजाब से है। इनकी स्टोरी से हमें यही पता चलेगा कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम अपने सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने की इच्छा रखते हैं, तो चीज़ें भी इसी प्रकार से होती हैं और वो हमारी मदद करती हैं हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। और इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलेगा कि हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करूंगा। रचित रचित जो कि पंजाब से हैं, पर ये वडोदरा गुजरात में सेटल्ड हैं। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि वो इस फील्ड से रिलेट नहीं करते हैं, वो ना ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, ना ही उनको उनको खाने के बारे में कुछ पहले मालूम था। पर उनका शौक था, उनका सपना था कि मुझे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक एचआर प्रोफेशनल के रूप में एक केमिकल कंपनी से करी। कुछ समय बाद उन्होंने यहाँ जॉब करी, पर उनका जो सपना था अपना कैफ़े, अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का, उसके लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये करना चाहते थे वो हो नहीं पाई, उनका कैफ़े रेस्टोरेंट खुल नहीं पाया, तो वो वापस से अपनी जॉब पे आ गए। जो उनकी जो दूसरी जॉब थी वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में थी। कंपनी यहाँ पर बीता, काफ़ी अच्छा समय बीता यहीं पर। उनको रहते हुए जो उनके मन में उनका जो सपना था वो और ज़्यादा घर करने लगा था। पर यहीं जब कुछ समय बीता, उनको एक नई जॉब का ऑफर आया जो कि बहुत ही बड़ी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ई कॉमर्स की जाइंट आप बोल सकते हैं उनका। तो इन्होंने अपनी पुरानी जॉब को छोड़ दिया। अब इन्हें जब ये नई जॉब स्टार्ट करनी थी या ज्वाइनिंग करनी थी, उस समय पे ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और उनकी जो पुरानी जॉब थी वो भी चली गई, और जो नई जॉब थी उसको अभी पता नहीं था कि वो होगी कि नहीं होगी। लॉकडाउन बढ़ते गए, आप मार्च से अब देखिए अगस्त आ गया है, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। तो लगभग ये 4-5 महीने तक ये लोग ये घर पे ही थे, तो इनके ऊपर भी स्ट्रेस हो रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पर जैसे इनके एटीट्यूड में है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इनका एक डायलॉग है, नेवर से डाई, और हमें कभी भी मरना नहीं चाहिए, अपने अंदर के जुनून को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने वापस से अपनी पूरी एनर्जी को आप बोलेंगे इकट्ठा किया और इन्होंने बोला कि मैं फिर से अपना स्टार्टअप करके ही रहूँगा। ये वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे कांटेक्ट में आए। इन्होंने मुझे अपना पूरा कॉन्सेप्ट समझाया और इन्होंने मेरे कोर्स को इनरोल्ड करा। उसके बाद मैंने इनको कंप्लीट गाइडेंस दी किस तरीके से स्टार्टअप होता है, फूड इंडस्ट्री क्या होती है। इनको खाने के बारे में मालूम था, ये खाना बनाना जानते थे, पर उसको किस तरीके से कॉमर्शियली हम लोग सेल करते हैं, किस तरीके से हमें रेसिपीज़ होती है, फूड इंजीनियरिंग होती है, किचन इंजीनियरिंग होती है, ये सारी चीज़ें इनको मैंने अपने क्लासेस में बताया और इनको काफ़ी इसमें आप बोल दीजिए काफ़ी हेल्प भी मिली। तो अब इनका जो स्टार्टअप है जिनका कि नाम रैप्स है, वो शुरू हो चुका है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। ये आपकी जो एयरपोर्ट है वहाँ पे नज़दीक में इनका स्टार्टअप है। आप भी अगर गुजरात वडोदरा में हैं तो प्लीज़ इनके आउटलेट पे जाके ज़रूर इनके रोल्स का टेस्ट लें, बहुत ही टेस्टी रोल्स हैं और ये बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। इवन इन्होंने अपने बल्क ऑर्डर भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस पूरी स्टोरी से अगर आप देखें तो हमें यही पता चलता है कि अगर हमारे सपने हैं तो हमें सपनों को कभी भी धुंधला नहीं होने देना है। अगर चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं तब भी हमें अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक नई चीज़ करने के लिए विश्वास रखना चाहिए। और अब देखिए, जब ये स्टार्टअप करना चाहते थे उस समय इस तरीके की सिचुएशन से नहीं बनी कि स्टार्ट कर पाए, पर इस समय पे जब बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ आप बोल दीजिए नेगेटिव चीज़ें चल रही है, पर इन्होंने फिर से हिम्मत दिखाई और अपना स्टार्टअप किया। और अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे, या इनकी बहुत ही इन्होंने लो कॉस्ट में स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे अमाउंट तो नहीं बता सकता, पर रियली वो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट है। अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो जिनमें कि आपको पता चलेगा कि मैं बताता हूँ किस तरीके से लो कॉस्ट में आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने पैकेजिंग में भी बहुत ही यूनिक चीज़ की है, मैं वो यहाँ पे नहीं बता सकता, नहीं तो बाकी लोग भी कॉपी कर लेंगे। उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी स्टोरी से यही पता चलता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर आपको भी कुछ ऐसा स्टार्टअप करना है, आप भी इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं और सीख सकते हैं कि अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं, एक हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल नहीं है, तब भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।